Very good morning, student. Welcome back on my YouTube channel TechCom. Today we are going to discuss chapter number 4. Name is Playing with a Mouse. In this chapter, we are going to discuss computer mouse, holding a mouse and action of a mouse. Let's look at the picture of computer mouse. यहाँ पर आपको एक computer की क्या दिखाई दे रही है? Picture, computer mouse की picture दिखाई दे रही है. Computer mouse के अंदर एक left button होता है, दूसरा right button होता है. यहाँ पर बीच में आपको एक white color की wheel दिखाई दे रही होगी. इसको बोलते हैं scroll wheel. और एक है आपकी माउस वायर. अ माउस हैज़ टू बटन ऑन इट. माउस के कितने बटन होते हैं? टू बटन होते हैं. फर्स्ट इज़ अ लेफ्ट, सेकेंड इज़ अ राइट. इट आल्सो हैज़ अ स्क्रॉल व्हील. इसके पास एक क्या होती है? स्क्रॉल व्हील होती है. इट हैज़ अ लॉन्ग वायर. इसकी एक लॉन्ग वायर होती है. द लॉन्ग वायर इज़ कनेक्टेड टू द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर माउस. जो आपकी लॉन्ग वायर है, किसी कंप्यूटर माउस की जो लॉन्ग वायर है, किसके साथ कनेक्ट होती है? सीपीयू के साथ. व्हेन वी मूव अ माउस, अ स्मॉल एरो मूव ऑन द स्क्रीन. जब आप माउस को मूव करते हैं, एक छोटा सा एरो कहाँ पर डिस्प्ले होता है? स्क्रीन पर. अ स्मॉल एरो इज आल्सो कॉल्ड द माउस पॉइंटर. इस छोटे से एरो को क्या कहते हैं? माउस पॉइंटर कहते हैं. नेक्स्ट है आपके पास पैड. वी शुड ऑलवेज कीप अ माउस ऑन माउस पैड. हमें हमेशा अपना जो माउस है, माउस पैड पर कीप करना चाहिए. यानी कि माउस पैड पर अपने माउस को रखना चाहिए. इट कीप्स द माउस डस्ट फ्री. इसका मतलब जो ये माउस पैड से जो आपका जो माउस है वो डस्ट फ्री होता है, इस पर डस्ट कम लगती है. नेक्स्ट है थिंक एंड इंक. लेबल द इमेज ऑफ माउस. यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं. इसके अंदर जो आप पार्ट्स हैं माउस के, वो आपने क्या है बताने हैं. फर्स्टली ये आपसे क्या पूछ रहा है? बटन. अब हैज़ यूजुअल मैंने आपको बताया था कि माउस के टू बटन होते हैं. फर्स्ट बटन होता है आपका लेफ्ट, सेकंड होता है आपके पास राइट, और बीच में क्या होती है आपके पास? स्क्रॉल व्हील होती है. ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट इज अ लेफ्ट, सेकेंड इज अ राइट, थर्ड इज अ स्क्रॉल व्हील. नेक्स्ट है आपके पास होल्डिंग अ माउस. यानी कि अब आपने माउस को किस तरह से होल्ड करना है ये बता रखा है. फर्स्ट में दिया हुआ है कि राइट हैंड से कैसे होल्ड करना है. सेकेंड में दिया हुआ है आपको कि लेफ्ट हैंड से कैसे होल्ड करना है. अब लेफ्ट राइट हैंड से कैसे होल्ड करना है उसके वे बताए हुए हैं. प्लेस योर इंडेक्स फिंगर ऑन लेफ्ट माउस बटन. यानी कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, इसको आपने माउस के लेफ्ट बटन्स पे प्ले करना है. उसके बाद है प्ले योर मिडल फिंगर ऑन द राइट माउस बटन. जो आपकी मिडल फिंगर होती है, उसको आपने कहाँ प्लेस करना है? माउस के राइट बटन पे. रीसेट योर प्लम ऑफ द माउस. मूव द माउस एंड एरो विल मूव ऑन द स्क्रीन. जब आप अपने माउस को मूव करोगे तो आपका जो माउस है, माउस का जो एरो है, वो क्या होगा? स्क्रीन पर मूव करेगा. अब हम देखते हैं अपने माउस को लेफ्ट हैंड से कैसे होल्ड करना है. इसके लिए आपने प्लेस करनी है अपनी मिडल फिंगर को ऑन लेफ्ट माउस बटन पे, और अपनी जो इंडेक्स फिंगर है, इसको आपने प्लेस कहाँ करना है? माउस के राइट माउस बटन पे. रेस्ट योर प्लम ऑन दिस माउस. माउस दी मूव दी माउस एंड एरो विल मूव ऑन द स्क्रीन. जो जब आप अपने माउस को मूव करोगे, हैज यूजुअल एरो भी क्या होगा? आपका मूव होगा. नेक्स्ट है आपके एक्शन ऑफ अ कंप्यूटर माउस. फर्स्ट है क्लिक और सिंगल क्लिक. प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन वंस इज कॉल्ड क्लिक. जब आप माउस का लेफ्ट बटन को वन टाइम प्रेस करते हो, एक बार उस पर क्लिक करते हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका क्लिक या फिर सिंगल क्लिक. नेक्स्ट है आपके पास डबल क्लिक.
Pressing the left mouse button twins quickly is called double click. जब आप माउस का लेफ्ट बटन को टू टाइम यानी कि ट्विंस यानी कि दो बार प्रेस करते हो तो वो क्या कहलाता है आपका डबल क्लिक कहलाता है. नेक्स्ट है आपके राइट क्लिक. Pressing the right mouse button once is called right click. We right click using middle finger. जब आप माउस का राइट बटन को प्रेस करते हो मिडल फिंगर के साथ तो वो क्या कहलाता है आपका राइट क्लिक. नेक्स्ट है आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप. प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन फॉर लॉन्ग टाइम यानी कि आपने कंप्यूटर माउस का जो बटन है उसको लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस करना है और फिर इसको मूव करना है एंड रिलैक्सिंग इट इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप. मतलब आपने यहाँ पर इसका बटन को प्रेस किया था और यहाँ आके इसका बटन को आपने रिलीज यानी कि छोड़ दिया, इसे क्या कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप. नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट है आपके पास टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन है दिस हिज स्मॉल एरो ऑन कंप्यूटर स्क्रीन. वो छोटा सा एरो कंप्यूटर जो स्क्रीन पर आता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं माउस पॉइंटर. क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका एक एरो बन के आता है तो ये एरो आपका क्या कहलाता है माउस पॉइंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिक डबल क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप आर कॉल्ड. आप देखो एक बार हम क्लिक करते हैं डबल क्लिक भी करते हैं ड्रैग ड्रॉप भी करते हैं, ये सब क्या हैं? माउस के फंक्शन हैं या माउस के एक्शन हैं या फिर माउस के बटन्स हैं? ये सब हैं आपके माउस के एक्शंस. हाउ मेनी टाइम डू यू प्रेस द लेफ्ट माउस टू बटन टू क्लिक. अब आप माउस का लेफ्ट बटन कितनी बार क्लिक करोगे क्लिक के लिए? अब हम सिर्फ एक बार क्लिक करनी है तो आपने सिर्फ इसको वन टाइम ही क्या करोगे क्लिक करोगे, क्योंकि आपने करना क्या है सिर्फ क्लिक ही करना है. हाउ मेनी टाइम्स डू यू प्रेस द लेफ्ट माउस बटन टू डबल क्लिक. अब ये आपसे पूछ रहा है डबल क्लिक के लिए माउस का बटन आप कितनी बार प्रेस करोगे ट्विंस, क्योंकि आपने क्या करना है डबल क्लिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड ऑलवेज यूज माउस ऑन डैश. अब आपने अपना जो माउस है कहाँ पर उसको यूज करना चाहिए माउस पैड पे, क्योंकि माउस पैड से क्या होता है आपका जो माउस डस्ट फ्री होता है क्योंकि इस पे क्या है डस्ट नहीं लगती है. सो स्टूडेंट आप सब ने इस एक्सरसाइज को अपनी बुक और नोटबुक पे फिल और राइट करना है. ओके स्टूडेंट स्टे होम एंड स्टे सेफ.